get up. Time is barely on our side. सो हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग काफी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी बज रही हैं सुबह की 9 और आप लोगों को पता है जो एक हाउसवाइफ का काम होता है, रोजाना का जो काम होता है, वो मैं भी करने लगी हूँ, घर की साफ सफाई। तो सबसे पहले अभी मैं अपने कपड़े समेट रही हूँ, जो कपड़े मैंने कल धोए थे और सूखने के बाद मैंने सोफे में रख लिए थे, क्योंकि मेरी आदत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं जब कपड़े धोती हूँ तो उसको निकाल के अगले दिन उनको तय करती हूँ, उसी दिन उनको तय नहीं करती हूँ। मेरी बहुत गलत आदत है। ये सुधर नहीं सकती है, मुझे लगता है मे भी ये सुधर नहीं सकती है। यहाँ पे मैं पहले अपने सोफ़ों को ठीक कर लूँगी। मैंने सोफ़े के कवर चेंज किए थे। आप लोग देख सकते हैं सोफे के सारे कवर मैंने लगा लिए हैं और अब मैं लगाने जा रही हूँ पोछा। हाँ जी, मैंने आप लोगों को पहले बताया ही था ना कि मैं जिस फ्लोर में मैं रहती हूँ वहाँ पर मैं झाड़ू बहुत कम करती हूँ, क्योंकि इतनी गंदगी ऊपर रहती नहीं है जहाँ पर मैं रहती हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ मेरे को पोछा ही मारना रहता है, झाड़ू की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पर झाड़ू नहीं लगा के सीधा पोछा लगा रही हूँ। वैसे तो गाइस आप लोग बोलेंगे कि क्या पोछा दिखा रही है हमें पोछा लगाते हुए, सभी लोग ऐसे लगाते हैं पोछा, लेकिन वही बात है ना, मैं आप लोगों के साथ अपना डेली रूटीन शेयर कर रही हूँ तो मुझे ये चीज़ भी दिखाना पड़ेगा। तो अभी मैंने अपना सारा पोछा फिनिश कर लिया है, सारा पोछा लगा लिया है कमरों में। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ अपनी बालकनी में और यहाँ पर मैंने कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है प्लांट्स लगाना घर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि इन्हें लगाने से हमें पॉजिटिव थिंग आते हैं और बहुत अच्छा माना जाता है प्लांट्स को घर में लगाने के लिए। मैं भी अपनी बालकनी में कुछ प्लांट्स लगाए हुए हैं और आप लोग देख सकते हैं ये प्लांट्स मेरे थोड़े बहुत सूखने लग गए हैं, पता नहीं क्यों, ये तो मैं नहीं जानती हूँ, बट मैं इसमें रोज़ाना पानी डालती हूँ, फिर भी इनके पत्ते पता नहीं क्यों सूख रहे हैं। साथ में गाइज आप लोग देख लीजिए गुड़गांव में कैसा मौसम हुआ है, बहुत ही ज़्यादा बेकार मौसम हुआ है, क्योंकि स्मॉग इतना ज़्यादा है कि हर कोई इंसान इसमें बीमार हो सकता है। आजकल जो यहाँ पे मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार मौसम है। सो गाइज अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, मेरा काम फिनिश हो चुका है। तो मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने काफ़ी दिन पहले कहा था कि मैम आप अपनी मॉर्निंग रूटीन स्किन केयर हमारे साथ शेयर कीजिएगा, तो आज मैं उनके साथ अपनी मॉर्निंग रूटीन स्किन केयर शेयर करने जा रही हूँ। मैं उनको बता दूँ कि मैं जो फेस वॉश यूज़ करती हूँ वो है हिमालय का नीम फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा फेस वॉश है और मैं इसे लगभग 5-6 साल से यूज़ कर रही हूँ। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा फेशियल लगता है, क्योंकि इसमें एक तो नीम है और नीम हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इस फेस वॉश में जो भी चीज़ें डली हुई हैं वो सारी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, यानी कि नेचुरल चीज़ें इसमें डली हुई हैं, तो ये हमारी स्किन के लिए ऑलरेडी ही अच्छी होंगी। कभी भी अगर फ्रेंड्स आप लोग फेस वॉश लगाते हैं, एकदम से आप लोगों को अपने फेस को घिसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग फेस वॉश को ऐसे लगाते हैं कि मतलब आज ही मुंह साफ करना है, ऐसे आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगाना है। बस आप लोगों को पंप की सहायता से इसे थोड़ा सा लेना है जितना मैंने लिया हुआ है, और इसे अपने फेस पे डैब डैब करके लगाना है और हल्के हाथों से अपने फेस पे मसाज करना है। कुछ देर तक आप लोगों ने हल्के हाथों से अपने फेस पे इसे लगाना है, उसके बाद आप लोगों ने नॉर्मल पानी से इसे धो लेना है। आप लोग देख सकते हैं गाइज ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मुझे फेस वॉश लगता है। और ये देखिए इस फेस वॉश को लगाने से मेरे फेस जितना भी मेरे फेस पे डस्ट होगा, जो भी मतलब मेरे फेस पे गंदगी होगी, वो सारी साफ हो जाती हैं और फेस हमारा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टी हो जाता है। सो गाइज चलिए अब मैं नहा धो के आप लोगों को मिलती हूँ, तब तक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आज मैंने अपने मॉर्निंग में कौन सी चीज़ बनाई है,
यानी कि खाने के लिए कौन सी चीज बनाई है उसे आप लोग देख लीजिए। तो गाइस आज मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। हाँ जी, मटर पनीर को आज मैं डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी। तो मटर पनीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक छोटी सी कढ़ाई में पानी डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद मैंने 4 से 5 प्याज यहाँ पे काटे हुए हैं, उनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। इसके साथ ही साथ मैंने यहाँ पे लहसुन की कुछ कलियां भी ली हैं, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और साथ में मैंने यहाँ पे 4 टमाटर काटे हुए हैं, इनको भी मैं इसमें डाल दूंगी। पानी में डालने के बाद मुझे ये तब तक उबालना है जब तक ये अच्छे से न उबल जाए, यानी कि जो हमारा टमाटर है वो अच्छे से इसमें गल जाना चाहिए। गाइस इसको ज्यादा उबालना इसलिए अच्छा रहता है क्योंकि इससे जो हमारी प्याज लहसुन की कच्ची स्मेल होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं रहती है। फिर हमें इसे अच्छे से उबालना है, जब हमें लगे कि हमारे टमाटर इसमें गल चुके हैं, हमारा जो प्याज है वो इसमें बिल्कुल ही सॉफ्ट सा हो गया है, तब हमें इसे बंद करना है। तो बंद करने के बाद मैं इसे कुछ देर के लिए छोड़ दूंगी। आप लोग देख सकते हैं ये काफी हद तक ठंडा हो चुका है, यानी गुनगुना, अभी भी थोड़ा बहुत गुनगुना है, लेकिन मुझे जल्दी बनाना है क्योंकि सभी लोगों को ऑफिस जाना है, तो इसीलिए मैं इसे ऐसे ही ग्राइंडर में पीस लूंगी। तो गाइज यहाँ पे मैंने चढ़ा दिए है कढ़ाई में तेल, और यहाँ पे मैंने उसमें जीरे का छौंक लगाया है, साथ में मैंने उन सारी चीजों को पीस के उनका अच्छा सा पेस्ट बना लिया है, और उस पेस्ट को मैं इसमें डाल दूंगी। पेस्ट को डालने के बाद मैं यहाँ पे आधा चम्मच हल्दी पाउडर डालूंगी, 1 से 1.5 चम्मच में इसमें नमक डालूंगी, 1 चम्मच में इसमें धनिया पाउडर डालूंगी, 1/2 चम्मच में इसमें लाल मिर्च पाउडर डालूंगी और 2 में इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी, जो जिनको कि मैंने लंबाई में काट दिया है, और अब इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। मिक्स करने के बाद कुछ देर तक मुझे इसे अच्छे से घुमाना है, कुछ देर के लिए इसे उबालने के लिए छोड़ दूंगी जब हमारे मसाले अच्छे से उबल जाएंगे। उसके बाद गाइस मैंने यहाँ पे 1 कटोरी हरी मटर ले ली है, अब मैं इन मटर को इसमें डाल दूंगी। तो मटर भी मैंने यहाँ पे डाल दी हैं, और हमारा जो पहले मसाला डाला हुआ था वो पक चुका है। 10 से 15 मिनट के लिए मैं मटर को भी इसमें डाल के छोड़ दूंगी ताकि हमारे मटर अच्छे से पक जाए। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मटर हमारे अच्छे से पक चुके हैं, और इसकी जो ग्रेवी है ना बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है। तो गाइस हमारा मटर पक चुका है, अब मैं इसमें जो मैंने पनीर कटे हुए पनीर है उनको डाल दूंगी। काफी सारे लोग गाइस पनीर को तल के खाते हैं, बट हम लोग ऐसे ही ऊपर से कच्चा पनीर डाल के इसे लेते हैं, क्योंकि कच्चा पनीर डाल के इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा होता है। गाइस पनीर को मिलाने के बाद मैं अपनी गैस बंद कर लूंगी। सो आप लोग देख सकते हैं मेरी मटर पनीर की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सो गाइज मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अब मैं अपनी स्किन केयर शुरू करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं अपनी स्किन पे जो रोजाना लगाती हूँ वो है गुड वाइब्स का ग्लो टोनर। ये टोनर बहुत ही अच्छा है गाइज, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, ये ऑल टाइप टोनर है। कोई भी लोग, चाहे ड्राई स्किन वाले हो, ऑयली स्किन वाले हो, कोई भी ऑल स्किन टाइप टोनर है ये, आप लोग इसे लगा सकते। मुझे ये टोनर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा हुआ। बस हमें इस टोनर को यूज करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, इसमें एक पंप दिया हो गया है, उस पंप को हमने दबा के अपने स्किन पे जितना हमें टोनर चाहिए उतना हम लगा सकते हैं। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को आगे इस वीडियो में दूंगी। उसके बाद गाइज मैं यहाँ पे NYB का स्किन फिडेंट फेस सीरम यूज कर रही हूँ। ये सीरम भी काफी ज्यादा अच्छा है, और इसे अप्लाई करना इससे भी ज्यादा अच्छा है। गाइज इसे हमें थोड़ा सा लेना है और अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर देना है। बहुत ही ज्यादा अच्छा फेस सीरम है गाइज ये, एक बार आप लोग भी इसे जरूर ट्राई करें। इसका रिव्यू मैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी। आप लोग देख सकते हैं गाइस मेरे माथे पे पता नहीं 2-4 दिन से छोटे छोटे दाने बहुत ज्यादा हो चुके हैं। तो बहुत कुछ लगा चुकी हूँ फिर भी ये दाने जा नहीं रहे हैं, मुझे पता ही नहीं चल रहा किस चीज से मेरे फेस पे दाने हो रहे हैं।
फेस सीरम के बाद गाइज मैं यहाँ पे निविया का मॉइस्चराइजर लगा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है विंटर तो ऑलरेडी आ चुका है और ऐसे में हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो मैं यहाँ पे मॉइस्चराइजर अपने फेस पे लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ। वैसे भी मैं समर में भी अपने फेस पे मॉइस्चराइजर लगाती हूँ, बट विंटर में इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो और अब मैं यहाँ पे अपने लिप पे लगाऊंगी लिप बाम, वो भी निविया का चेरी लिप बाम। बहुत ही ज्यादा अच्छा लिप बाम है गाइज, एक बार आप लोगों को बस अपने होंठों पे लगा लेना है। ये आपके होंठों पे आप लगा सकते हैं, 2 से 3 घंटे तक मैक्सिमम टिका रहता है। तो गाइज यही है मेरा मॉर्निंग का स्किन केयर रूटीन, आई होप मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्हें ये पसंद आया होगा। तो गाइज यहाँ पे मैं बात कर रही थी गुड वाइब्स के रोज ग्लो टोनर के बारे में। गाइज ये बहुत ही अच्छा टोनर है और हमारी फेस के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी इस टोनर में, ये ऑल स्किन टाइप टोनर है, कोई भी इसे लगा सकता है, चाहे ड्राई स्किन वाले हो, ऑयली स्किन वाले हो, कोई भी इसे लगा सकता है, किसी को भी इसे लेने से पहले सोचना नहीं पड़ेगा। गाइज गुड वाइब्स के जितने भी प्रोडक्ट हैं बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट होते हैं और आप लोग देख ही सकते हैं गुड वाइब्स ने आज तक भी जितने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उनकी पैकेजिंग बहुत ही प्यारी रहती है। गाइस ये रोज ग्लो वाटर टोनर की क्वांटिटी आपको 120 ml मिलती है। इसमें आप लोग देख सकते हैं नो अल्कोहल, नो पैराबीन्स, नो सल्फेट और क्योरली फ्री है ये। इसके अलावा गाइस आप लोग देख सकते हैं इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डाले गए हुए हैं, साथ ही साथ आप लोग देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आप लोगों को इसकी सेल्फ लाइफ 2 साल की मिलती है। आप लोगों को ये 175 में मिल जाएगा, बट मे बी अभी पर्पल पे कोई ऑफर चल रहा होगा तो आप लोगों को ये कम रुपीज में भी मिल सकता है। आप लोग एक बार पर्पल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, मे बी आप लोगों को अभी ये कम रुपीज में मिल जाए। इसके अलावा गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है रोज बिकॉज इज ए ग्रेट क्लींजर एंड रिमूवर ऑयल एंड डट एक्यूमुलेटेड इन क्लोज्ड पोर्स, यानी कि ये आपके फेस को अच्छे से क्लीन करता है, आपके फेस से डर्ट वगैरह को रिमूव करके आपके पोर्स को ओपन करता है। आप लोगों को किस तरीके से यूज करना है ये भी आप लोग देख सकते हैं, और यहाँ पे लिखा हुआ है सुटेबल फॉर ऑल स्किन टाइप, जो मैंने आप लोगों को अभी बताया कि ये हर स्किन टाइप वालों को सूट कर जाता है और बहुत ही अच्छा ये टोनर है। सो गाइज मुझे तो ये टोनर बहुत अच्छा लगता है। आप लोग अगर मेकअप करते हैं तो मेकअप करने से पहले भी आप लोग इस टोनर को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप लोग ऐसे ही घर में डेली यूज पे अपनी स्किन केयर करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन टोनर है। मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज जो लगी वो ये लगा, ये पंप, क्योंकि अगर हम विदाउट पंप का कोई टोनर लेते हैं तो उसमें हमें पता नहीं चलता है हमें कितना यूज करना है, बट इस पंप में हमें ये है जितना हमें चाहिए होगा उतना ही हम अपने फेस पे इसको लगा सकते हैं, अदरवाइज हमारा ये बच जाता है। सो गाइज मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप लोग भी अगर कोई टोनर यूज करना चाहते हैं तो आप लोग गुड वाइब्स का रोज ग्लो टोनर यूज करें, बहुत ही बेहतरीन टोनर है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल ऐसे नहीं है जो कि हमारी स्किन को हार्म पहुंचाए। सो आई होप गाइज आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो गाइज मिलती हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।